केसरिया बालम आओरी पधारो पारे। मित्रों, आपने केसरिया बालम पधारूनी मारे देश गीत तो सुना ही होगा। राजस्थान में हर व्हीकल या वाहन के पीछे लिखा होता है कि केसरिया बालम पधारूनी मारे देश। मित्रों, जानकारी के लिए बता दूं कि यह गीत ढोला की याद में मारू ने लिखा था। वह इस गीत के माध्यम से वह ढोला को पोंगल आने के लिए कह रही हैं। मारू कह रही हैं कि केसरिया बालम अब तो पधारो पोंगल देश। राजस्थान में सबसे सर्षित प्रेम कहानियों में से एक है ढोला मारू की कहानी, जिसे आज भी प्रेम के प्रतीक के रूप में सुनाया जाता है। मित्रों, इस प्रेम गाथा की लोकप्रियता का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि 8वीं सदी की इस घटना का नायक ढोला राजस्थान में आज भी एक प्रेमी नायक के रूप में स्मरण किया जाता है। प्रत्येक पति पत्नी की सुंदर जोड़ी को ढोला मारू की उपमा दी जाती है। कहानी कुछ यूं है मित्रों कि ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र था, जिसे इतिहास में ढोला व साला कुमार के नाम से भी जाना जाता है। पहले राजस्थान में शादियां बचपन में ही कर दी जाती थी। ढोला का विवाह भी 3 वर्ष की आयु में जांगल देश के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पंवार राजा पिंगल की पुत्री मारवणी के साथ कर दिया जाता है, जिसे इतिहास में मारू के नाम से भी जाना जाता है। इस वक्त मारवणी की आयु 1.5 वर्ष की थी और ढोला की आयु 3 वर्ष की थी। मित्रों, होता यह था कि बचपन में शादी तो कर ली जाती थी, लेकिन वयस्क होने पर ही वो पति के साथ ससुराल आती थी। बड़े होने पर ढोला की एक और शादी मालवणी के साथ हो जाती है। बचपन में हुई शादी के बारे में ढोला लगभग भूल ही चुके थे। उधर जब मारवणी प्रौढ़ अवस्था की हो गई थी, तब उसके माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए नरवर कई संदेश भेजे। ढोला की दूसरी रानी मालवणी को ढोला की पहली शादी का पता था। उसे यह भी पता चल गया था कि मारवणी जैसी बेहद खूबसूरत राजकुमारी कोई और नहीं, इसीलिए मालवणी मारू से सिरिया करती थी और उसी के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजा गया कोई भी संदेश ढोला तक पहुंचने ही नहीं देती थी। वह संदेशवाहक को ढोला तक पहुंचने से पहले ही मरवा डालती थी। इसीलिए इस बार एक शतुर ढोली को नरवर भेजा। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब राजकुमारी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और उन्हें समझाया कि कैसे उसके प्रियतम के सम्मुख जाकर सुनाया जाए। चतुर ढोली एक यासक बनकर नरवर के महल पहुंचा। रात में रिमझिम बारिश के साथ उसने उसी आवाज में मल्हार राग में गाना शुरू किया। मल्हार राग का मधुर संगीत राजकुमार के कानों में गूंजने लगा। ढोली ने गाते हुए साफ शब्दों में राजकुमारी का संदेश सुनाया। गीत में जैसे ही राजकुमार ने राजकुमारी का नाम सुना, उसे अपनी पहली शादी याद आ गई। ढोली ने बताया कि उसकी राजकुमारी कितनी खूबसूरत हैं। सुबह राजकुमार ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने राजकुमारी का पूरा संदेश सुनाया। आखिरकार साला कुमार ने अपनी पहली पत्नी को लाने का निश्चय किया, पर उसकी दूसरी पत्नी मालवणी ने उसे रोक दिया। ढोला ने कई बहाने बनाए, पर मालवणी उसे किसी तरह रोक देती थी। पर एक दिन ढोला एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर मारू को लाने के लिए सली दिए और पुंगल पहुंच गए। मारवणी यानी मारू ढोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए और एक दिन ढोला ने मारू को अपने साथ ऊंट पर बिठाकर नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। रास्ते में राजकुमारी को सांप ने काट लिया, पर माना जाता है कि शिव पार्वती ने आकर उनके जीवन को दान दे दिया। उसके बाद उनका सामना उमरा सुमरा से हुआ, जो साला कुमार को मारकर राजकुमारी को हासिल करना चाहते थे।
वह उसके रास्ते में जाजम बिछा कर महफिल सजा कर बैठ गया। जब राजकुमार उधर से गुजरा तो उमर ने उसे मनुहार की और उसे रोक दिया। राजकुमार ने राजकुमारी को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनुहार लेने बैठ गया। इधर ढोली गा रहा था और राजकुमार व उमर अफीम की मनुहार ले रहे थे। मारू के देश से आया ढोली बहुत ही शतुर था, उसे उमर सुमरा के षड्यंत्र का आभास हो गया था। ढोली ने सुबके से इस षड्यंत्र के बारे में राजकुमारी को बता दिया। राजकुमारी भी रेगिस्तान की बेटी थी, उसने ऊंट को एड़ी मारी और जैसे ही ऊंट भागने लगा तो ऊंट को रोकने के लिए राजकुमार दौड़ने लगा। जैसे ही राजकुमार राजकुमारी के पास आया तब मारवाड़ी ने कहा कि धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, ये तुम्हें मारना चाहते हैं। उसके बाद दोनों ने वहाँ से भागकर नरवर पहुंचकर ही दम लिया। तो मित्रों, यह थी ढोला मारू की प्रेम कहानी। आज भी उनके नाम व प्रेम का गुणगान किया जाता है। क्या लिख